मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं। बता दें कि बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट पर एक बार फिर भाजपा के मंजू राजेंद्र दादू ने बाजी मारी है। भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की गेंदूबाई चौहान को 44,000 मतों से हरा दिया है। भाजपा प्रत्याशी मंजू राजेंद्र दादू ने निर्वाचित घोषित होते ही बाबा साहब अम्बेडकर को मल्यार्पण कर सभी का आभार जताया। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की जनताओं की जीत है, आम जनताओं की जीत है, हमारे सांसद जी की जीत है, हमारे सीएम साहब की जीत है, हमारे मोदी जी की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार सरकार बनाने में निर्माण की बड़ी भूमिका रहेगी और निमाड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है, उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीते। सेमीफाइनल जीता आपने, ऐसा लगता है विधानसभा? निश्चित रूप से फाइनल भी हम ही जीतेंगे। फाइनल में भी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की झोली में देश प्रदेश की जनता डालने वाली है।